मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक निजी मैरिज हाउस में छात्र नेता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 24 घंटे की नोटिस में छात्र नेताओं की उपस्थिति पर साधुवाद देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सामान्य निर्वाचन की कार्रवाई चल रही है, सबकी निगाह भारत और गोरखपुर पर लगी है। 18 से 45 साल का युवा किसी भी सरकार को बना और बिगाड़ सकता है, युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। आप एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। आर्थिक रूप से भारत विश्व में तीसरे पायदान पर खड़ा होगा। गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लाई गई हैं, युवाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ाया जा रहा है। वो किसी कंपनी के पास नहीं जा रहा है, उसकी थोड़ी सी मदद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट से उन्हें नया मौका मिल रहा है। 5 साल में दुनिया नए भारत को आश्चर्य से देख रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के बाद का पहला चुनाव है जब प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नकारात्मक फैक्टर नहीं है। भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम देखना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने का परिणाम है कि देश सुरक्षा के माहौल में चल रहा है, देश विकास और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल में 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिलना, 4 करोड़ लोगों को विद्युत कनेक्शन मिलना, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन मिला, 9.5 करोड़ गरीबों को शौचालय मिला, 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये की सालाना की गारंटी मिलना। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र नक्सलियों को प्रोत्साहित करने का घोषणा पत्र है। जम्मू कश्मीर और अन्य जिलों में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में प्रशय दे रही है। अयोध्या, काशी, लखनऊ, फैजाबाद, रामपुर में विस्फोट करने वाले लोगों पर सपा सरकार मुकदमा वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की, क्योंकि उनको ऐसे लोगों से लाभ मिलना था जिनका संबंध इन आतंकवादियों से था। राष्ट्रवाद चिल्लाने से नहीं, राष्ट्र को सकारात्मक दिशा में ले जाने से आएगा। युवा भारत की खुशहाली समृद्धि के लिए मतदान में भागीदार बने। छात्र नेता सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के सदर लोकसभा के प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला ने भी संबोधित किया। आदित्यनाथ जी को सामने सामने बताइए, रास्ता मत सामने रखिए, रास्ता दीजिए। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के छात्र संघ के उच्च पदाधिकारी प्रधान पदाधिकारी बंधुओं से कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम सबकी भूमिका कैसी होगी, क्या होगी, हम अपनी योजना कैसे बनाएंगे, इसके लिए इस निमित्त हम सब उपस्थित हैं। इसलिए आगे कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कार्यक्रम तेजी से, चूंकि समय कम है, आप सब बहुत तेजी से आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्योंकि छात्र नेताओं के लंबी लिस्ट है, सबको वंश के बुलाना और आत्मा कराना संभव नहीं था, इसलिए आयोजक मंडल ने जो तय किया था स्वागत करना है। बड़े माने बड़े माने से महाराज जी का जो स्वागत होना है, उस स्वागत में किनारेबाजी न करें। अब मैं स्मृति चिन्ह प्रदान महाराज जी महाराज
में बात कर रहा है, पूरा देश बात कर रहा है, वो हमारे महाराज जी के कृपा बा महाराज जी गोरखपुर को आशीर्वाद चलने के बाद में बतियाई, पहले थोड़ा नाम हम सम्मान जो गणमान्य व्यक्ति थे यहाँ बैठे हैं मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। श्री शीतल पांडे जी के प्रणाम करब, विश्वकर्मा द्विवेदी जी के प्रणाम करब, सत्य प्रकाश पाठक जी के प्रणाम करब, वीरेंद्र साहू जी के प्रणाम करब, साधुवाद देव श्रीकांत मिश्रा जी के प्रणाम करब, डॉक्टर रतन पाल सिंह जी के प्रणाम करब, विदेश चंद्र त्रिपाठी जी के प्रणाम करब, दिवस सिंह प्रणाम कर देवेंद्रनाथ सिंह जी प्रणाम कर, और बहुत सारा नाम बाटे और मैं उन जो सारे नाम समय की कमी के कारण नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं उन सारे नाम के साथ जितने भी आप लोग हैं मैं सबको गोल शुरू को प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। बड़ा प्रेम से हारा हारा शंभू साथ हो जाए ज्ञान के साथ मनुष्य का जीवन हम आज पढ़े हैं इसलिए मैं लड़ता है, जब आप पढ़ते हैं तो आप लड़ते हैं और लड़ते हैं उन लोगों की सड़क पर जाकर लड़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो जीवन से लड़ते हैं और जीवन का नाम लड़ाई है और लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। जब आपके पास ज्ञान होता है तब आप चार लोगों में बैठ के बात कर पाते हैं, मोबाइल पर पूरा विश्व मोबाइल पर है, वन स्मार्टफोन यू हैव एंड द वर्ल्ड इज इन योर हैंड, वन स्मार्टफोन। आज छात्र के लिए हमारे पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री, वैसे में सामान कर्मक मुख्यमंत्री है, फायर ब्रांड जिनको पेच में और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जहां पर मोदी महाराज का कार्यक्रम लग जाता है वो सीट निकल जाती है। हम जब यहाँ आए तो महाराज जी तो हमको सबने ये कहा कि महाराज जी की जरूर बुलाई, महाराज जी का कार्यक्रम ले, आज महाराज जी के आशीर्वाद से मैं सारे छात्र नेता को सारे छात्रों को ये निवेदन करता हूँ कि ये वो लड़ाई है जिसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। 19 मई गौर करिएगा, आप लोग बहुत बड़ी शक्ति है, 19 मई को चुनाव है, गर्मी भीषण होगी, प्रधानमंत्री जी हमारे अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं पहले मतदान फिर जनपान, ये नारा लेके सभी लोग जाए, ये वो लड़ाई है जहां पर अपोजिशन का गठबंधन क्या है स्वार्थी है ये भी है, तो सिर्फ ये वंशवाद के कारण यहाँ आया है, और महागठबंधन और गठबंधन जो है उसका प्रत्याशी क्या है पूरा गोरखपुर जानता है, उसका इतिहास क्या है पूरा गोरखपुर जानता है, तो ये लड़ाई इतनी अद्भुत लड़ाई महाराज जी की कृपा से बनी है, प्रधानमंत्री जी के कर्म लेकिन महाराज जी के कर्म हर कार्य महाराज जी का हमने कंपीरगंज में गए थे तो मुस्लिम मोहल्ला था, तो मुस्लिम भाई लोग आए सब बहुत सारे देखे तो हमने सबको आदाब किया और साथ में मस्जिद के सामने तो हमने सबसे कहा कि महाराज जी और प्रधानमंत्री जी ने जब बिजली भेजी तो ये उन्होंने कहा कि इस मस्जिद में बिजली नहीं जाएगी, ये मुसलमानों के गांव में बिजली नहीं जाएगी, सबका साथ बिजली वहां भी गई, मुसलमान भाइयों को भी मकान मिले, उन समुदाय को भी मिले जो महाराज जी का भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे बिरादरी के नाम पर, उनके बिरादरी के मालिक ने कभी अपने समुदाय को मकान बिजली गैस सिलेंडर मेडिकल फैसिलिटी 5 लाख रुपया जो 50 करोड़ परिवार को मिलता है नहीं दिया, बिरादरी के नाम पर लोगों ने बड़ा बड़ा मकान बनाया, बिरादरी के नाम पर लंदन में बैंक अकाउंट है इनका, बिरादरी के नाम पर फार्म हाउसेस है,
बिरादरी के नाम पर चुनाव छुपते हुए युवक को छुट्टी मनाने जाते हैं, अपने बिरादरी को भूखा रखा, पढ़ाया नहीं, अंतर रखा ताकि चाप जाएंगे तो बगावत करेंगे। ये लोग बिरादरी बात करते हैं और इस पर वोट मांगते हैं, इन लोगों को शर्म माननी चाहिए। जी महाराज जी, हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री, ये सारी योजनाएं सबको की 130 करोड़ के की, 100 करोड़ हिंदुओं को नहीं, 130 करोड़ को नहीं। ये नहीं देखा कि मुसलमान के काम में बिजली जा रही है, गैस के लिए सिलेंडर यादव भाई के यहाँ जा रहा है, ये गरीब भाई या अनुसूचित भाई के यहाँ जा रहा है, कभी नहीं देखा। और वही फायदा हमको इस चुनाव में हो रहा है। हम काम पहुंच गए निषाद भाइयों के गाँव में, सब महिलाओं ने औरत लोग बाहर आई, भैया हो तो के जिताई, कमल के जिताई, मोदी के जिताई, योगी के जिताई, हम बोले काहे हो भाई, नहीं हो हम तो खुद को दे देगा। और लोग सच थे, सब कुछ बिता गई, सब कुछ बिता गई, ये आवाज में कभी नहीं सुना, सब कुछ बिता गई। ग्रामीण के बिहार में मैं 2 लाख लोगों से अभी तक मिल लिया हूँ 11 दिन में। मुसलमान भाई लोग रहते हैं, महाराज जी की इमेज को हिंदू आतंकवाद, अरे भगवान मेरी पहचान है। मुसलमान भाई गाड़ी लगता है नमाज पढ़ता तो काला हो जाता है, वो पहनता है। मेरे पिताजी हम लोग बचपन से हमारी पहचान है, मैं हिंदू हूँ तो भैया मैं रहूंगा हिंदू, मैं भगवा पहनूंगा क्योंकि केसरी हमारा रंग है, भगवान राम का रंग है। तो हम गलत कहां है, लेकिन 130 करोड़ को योजनाएं मिली है। सब लोग याद रखिएगा, जब आप लोग बात करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप लोग पूरा इसको चलवाए। हमारे यहाँ किसी को भय नहीं, हमारी सरकार में 2 साल की सरकार है, एम्स दे दिया, 2 साल की सरकार है, 8 जहाज शुरू हो गया गोरखपुर से, 8 फ्लाइट्स कनेक्टिविटी। महाराज जी हमसे बहुत पूछ रहे थे, मुंबई जाती मतलब डायरेक्ट जाती है स्पाइस जेट, दिल्ली जाती है, काठमांडू जाती है, एवरी वे 8 फ्लाइट सर्विस। हम 2003 में यहाँ शूटिंग करने आते थे, हर गाँव में मैंने यहाँ शूटिंग की है। हमको जहाज नहीं मिलता था, आर्मी के पास था एयरपोर्ट, बहुत छोटा सा था, वहां उतरने नहीं मिलता था जहाज, कभी उतरता था कभी नहीं उतरता था। आज मैं शॉक हो गया जब मैं आया जहाज से उतरा, देखा अद्भुत सुंदर था रामगढ़ ताल के पास, जब मैं शूटिंग करता था लाशें मैंने देखी है, पत्नी मारता था कि नाक सड़ जाए, आज वो रामगढ़ ताल, अपनी शूटिंग में वही करूंगा, देखना आप लोग के सामने। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ महाराज जी के सानिध्य में जमीन खोदत है, महाराज जी को, महाराज जी ने उनको बोला क्यों ना यहाँ पे स्टूडियो लगाए, आज हिंदी में 55 शूटिंग हो रही है, 1 लाख लोगों को डायरेक्टली इंडायरेक्टली रोजगार मिलेगा, अगर यहाँ स्टूडियो मिलेगा बन जाएगा रामा जी की तरह हैदराबाद में। महाराज जी ने आदेश दिया कि जिम की सुविधाएं गाँव गाँव में, जब तुम्हारा चुनाव तुम जीत जाएंगे, गाँव गाँव में जिम, फुटबॉल के ग्राउंड से फुटबॉल, कवि करना रंगमंच से कलाकार तुम्हारी तरह पैदा करो, ये कलाकार भी रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है। 23 करोड़ की आबादी में युवा इतने हैं, कोई संगीतकार है, कोई लिरिक्स राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, अनगिनत लिखा में, और उस पर भी सारे लोग आए साइकिल डॉक्टर नहीं बन सकते। आप लोग उस पर भी गौर करना चाहिए, रंगमंच से कलाकार गोरखपुर में अनगिनत कलाकार है, उत्तरांचल में अनगिनत कलाकार है, अमिताभ बच्चन भी यही जन्म लेते हैं, रवि किशन भी यही जन्म लेते हैं, ये वो माटी है, ये देव की भूमि है, यहाँ सब कुछ पैदा होता है, कहीं किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है, स्वयं को चढ़ाना है, स्वयं भू बनना है, खुद को पेट बनाना है। साईं आप लोग बन गए सब कुछ होगा। महाराज जी ने हमको ऐसे नहीं सुना कि मैं हवाई पैराशूट से देखा गया, महाराज जी ने मंथन किया हम पर, महाराज जी ने कुंभ में कुछ पांडव करके देखा,
महाराज जी जब 24 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई उस कुंभ में, सारे हिंदू नहाए, वही महाराज जी को जो महाराज और एक खर्च नहीं आई संसार में। लंदन में फिर उन्होंने कहा बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, वी नो दैट दे ऑर्गेनाइज लाइक दिस इवेंट, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड में जाना जाता है। उसने कहा कि कुम मोस्ट बेटर ऑर्गेनाइज देन अस, बस इतना कहा। छात्र लोग हैं आप लोग, ये चुनाव कोई चुनौती लो, 2018 में जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, एक लहर नहीं एक सुनामी है इस वक्त, पूरा पूरा कुल हम लोगों को भोग करना चाहता है। बस आप सब लोग अपने परिवार से सब लोगों की खींच खींच के ले आवा, चुकी का नहीं। मैं सच कहता हूं महाराज जी कहते हैं इसका पैमाना बढ़ाओ, जीत तो आप रहे हैं रवि, इसका पैमाना बढ़ाओ। महाराज जी बार बार हमको चल ज्वाइंट करते हैं, महाराज जी के बगल में बैठ जाए तो आग लग जा लग कर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी महाराज जी के समर्थक, गोरखपीठ के समर्थक, मंदिर के समर्थक, हाथ जोड़कर हम रेवोल्यूशन निवारा कर आप सब लोगों से मंदिर की सीट मंदिर में वापस आने से। प्रमुख छात्र नेताओं से संबंधित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा द्विवेदी जी, श्री श्रीकांत मिश्र जी, श्री नीरज शाही जी, श्री लालजी सिंह जी, बार एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर संसदीय सीट पर प्रत्याशी श्री रवि किशन जी, बड़ी संख्या में उपस्थित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण, इसमें आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी छात्र संघ के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं अभी परसों ही गोरखपुर आया था और मैंने डॉक्टर विभाड़चंद कौशिक जी ने इस बात की इच्छा व्यक्त की थी कि छात्र संघ के पूर्व और वर्तमान के कुछ पदाधिकारियों के साथ हम एक बैठक करना चाहते हैं। यद्यपि मैंने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था, लेकिन मुझे आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव प्रचार में रहना था, तो मैंने भी उनसे कहा कि भाई मैं कल ही, मैंने उनको कहा कि मैं कल शाम को गोरखपुर पहुंचूंगा, और उस सबके बावजूद मात्र 24 घंटे के नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में छात्र नेताओं की उपस्थिति, यह आप सबकी सामाजिक और छात्र और युवा कल्याण के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है। मैं आप सबको इस अवसर पर यहां पर उपस्थित होने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सामान्य निर्वाचन की कार्रवाई चल रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं।
और दुनिया का अंदर हर लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति की निगाहें गोरखपुर आपके भारत के चुनाव पे लगी है। उसके लिए बहुत और आश्चर्य का विषय है कि लोकतंत्र में आखिर क्या ताकत है जनता में कि वह बहुत कुछ कर सकने की क्षमता कैसे रख सकता है। पहला चुनाव है आजादी के बाद का, जब प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित किसी सरकार के खिलाफ कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। यानी आजादी के बाद इन 72 वर्षों में हम लोगों ने जो भी सरकारें देखी तो कमोबेश प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व में जो सरकार संचालित होती रही है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ करता था और अंततः परिणाम प्लस माइनस में जाता था। पहला चुनाव है जब कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है और पूरा देश मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री चाहता है। हम लोग इस बात को देख करके ताज्जुब थे कि वास्तव में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र भी है। हमारी 65% जो आबादी है वह 16 से लेकर के 45 वर्ष के बीच की उम्र की है। यानी इतनी बड़ी आबादी, यानी इसका मतलब 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों की जो उम्र है ये युवा उम्र देश के अंदर सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस युवा ऊर्जा को उस रचनात्मकता के साथ जोड़ना जो रचनात्मकता भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना सके, जो रचनात्मकता भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ इस देश के अंदर गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचा सके। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार आने के बाद योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब नहीं। हमने कहा विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और इस संकल्प के साथ जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी सरकार ने काम प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ, गरीब को आवास का है, गरीब को शौचालय का हो, गरीब को विद्युत कनेक्शन का हो, गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन का हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का है, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना का है, प्रधानमंत्री स्किल मिशन का है, अनेक ऐसी योजनाएं पूरे देश के अंदर जिस मजबूती के साथ युद्ध स्तर पर चली है, स्किल मिशन के माध्यम से पहली बार देखने को मिला कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर नौजवान के हुनर को एक मंच देकर के उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ अग्रसर किया जा सकता है। मैंने यूथ की पूरी टीम देखी है, जो यूथ आज देश के अंदर स्वयं का स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है और सरकार के सामने हाथ नहीं फैला रहा है, वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हाथ नहीं फैला रहा है, वह कहीं और जाके कोई वो नहीं कर रहा है, उसकी थोड़ी सी आर्थिक मदद होनी चाहिए, वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के आर्थिक स्वावलंबन की एक नई नजरिया प्रस्तुत कर देना चाहता है। और मुझे लगता है वह जो भाव देश के अंदर पैदा किया है प्रधानमंत्री स्किल मिशन ने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने, स्टार्टअप की योजना ने, मेक इन इंडिया की योजना ने, वह एक बहुत बड़ा भाव है। और उसी
भाव को आगे बढ़ाने के लिए, जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने देश की संरचनात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देकर के भारत को दुनिया की ताकत का एहसास कराना प्रारंभ किया है। आखिर यही भारत की ऊर्जा थी जो दुनिया के अंदर तमाम अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करके उस देश को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन आज वही भारत है जिसने 5 वर्ष के दौरान इतनी प्रगति की है, जो प्रगति पर दुनिया भी विस्मय और आश्चर्य की भांति भारत को देख रहा है। आज से 5 वर्ष पहले इस देश के 270 जिले थे जहां नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद था, आज एक घटकर के 5 से 6 जिलों में सीमित हो गया। और विश्वास करिए, एक बार मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद सदैव के लिए भारत की धरती से समाप्त होगा। और ये चीजें समाप्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से विकास जो ऊर्जा नकारात्मक दिशा में है, अगर वही ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी तो ये सकारात्मक ऊर्जा भारत को दुनिया के अंदर एक नया स्थान दिलाएगा। आतंकवाद के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या है? भारत में आर्थिक सुधार के परिणाम क्या है? एक सार्थक दिशा में एक चला है, और सार्थक दिशा में चलने का परिणाम है जो भारत 2014 में दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वह दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। और 6ठी अर्थव्यवस्था के बाद आने वाले 3 वर्ष के अंदर देखना, भारत दुनिया की टॉप की 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था होगी। अगर भारत समृद्ध होगा तो क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए क्या? अगर भारत सुरक्षित होगा तो क्या भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है क्या? अगर भारत समृद्ध होगा तो क्या ये समृद्धि की खुशहाली भारत के प्रत्येक तबके के चेहरे पर दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? और मुझे लगता है यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, जो मैंने कहा कि पहली बार 2014 में जिन युवा मतदाताओं ने मतदान किया होगा उन लोगों को 2019 में जब आप आए हैं, ये चुनाव पहली बार हो रहा है जिसमें लगभग प्रदेश के अंदर 18 से लेकर के 23 वर्ष की उम्र के एक बड़ी आबादी है, लगभग मेरा अनुमान है कि 3 करोड़ युवा मतदाता हैं जिनको पहली बार मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि उन युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को 2017 में भी, क्योंकि 18 वर्ष के जो नहीं हुए होंगे उनको मतदान करने का अवसर नहीं मिला था, सरकार ने अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए थे। हम लोगों ने इस बार प्रयास किया था, कोई युवा मतदाता छूटने न पाए, हर युवा मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो और वह युवा स्वयं के लाभ हानि की चिंता के बगैर भारत की समृद्धि के लिए, भारत की खुशहाली के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मतदान की प्रक्रिया में सहभागी बने। और इस दृश्य जो एक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर वर्तमान में चल रहे हैं, बड़ी मात्रा में युवा नौजवान जो हमारा 2014 में मतदान नहीं किया था, ऐसे करोड़ों नौजवान पहली बार लोकसभा के सामान्य चुनाव में मतदान में भागीदार बनेंगे, यानी उन्हें भी अपने देश के अंदर सरकार बनाने में भी उनकी भी भूमिका है। इस भाव के साथ वे इस मतदान में भागीदार बन रहे हैं। मेरी आप सबसे यह अपील होगी कि आपने अपने अपने समय में, कुछ लोग आज, कुछ पहले, कुछ इससे पहले, अलग अलग समय में, भाई शीतल बाबा जब छात्र संघ के अध्यक्ष रहे होंगे आज से 50 साल पहले, तो उस समय के जो लोग होंगे, 50 साल की उम्र के जितने लोग होंगे उनके बीच में सेन जा सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 साल तक छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शीतल बाबा, आज विधायक भी हैं। अब 80-90 वर्ष की उम्र में भी कोई व्यक्ति विधायक बन सकता है शीतल बाबा? आखिर छात्र संघ की तो बदौलत है, छात्र नेताओं की बदौलत है, क्योंकि जब भी उन्हें प्रत्याशी बनाया गया
मैंने देखा कि पब्लिक में चाहे जो भी प्रतिक्रिया रही हो, लेकिन छात्रों में, युवाओं में एक नई प्रतिक्रिया देखने को मिली थी कि वास्तव में हमारे बीच के किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। विश्वकर्मा द्विवेदी जी हमारे बीच में अस्वस्थता के बावजूद वे यहाँ पर आए हैं, मैं उन्हें हृदय से साधुवाद दूंगा। यानी बहुत अस्वस्थ है और सबके बावजूद वे इस कार्यक्रम में भागीदार बने और इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके उन्होंने इस वर्तमान की युवा पीढ़ी को या जो युवाओं का किसी न किसी क्षेत्र में कभी प्रतिनिधित्व किए थे उन लोगों को एक नई दिशा देने का कार्य किया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, युवा उम्र वो नहीं होती जो स्वयं के लाभ हानि के बारे में सोचती है। युवा होने का मतलब देश और समाज के बारे में एक स्पष्ट सोच जिसके मन में हो, जो देश और समाज के बारे में सोच सके, व्यक्तिगत लाभ हानि की प्रवाह के बगैर सोच सके, यही गोरखपुर है। जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 30 से कम, 30 वर्ष से कम की उनकी उम्र थी और तब भी उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा था, उस तक नहीं किया था। और इस बात को लेकर के जब उनकी मां आई थी और उनकी मां की आंखों में आंसू थे तो अपनी मां के सामने उन्होंने एक ही बात इस बात को लेकर के कहा था, उन्होंने कहा, मां मुझे फांसी भले ही होगी लेकिन मेरी फांसी वो देश के हजारों युवाओं के लिए एक नया संकल्प लेकर के आएगी, हजारों रामप्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे। ये भाव एक तरफ भारत को विकास और समृद्धि की सुरक्षा के एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस हो, सपा बसपा का गठबंधन हो या अन्य दल हो, एक नकारात्मक राजनीति के साथ जाति मजहब की राजनीति करने वाले बेमानी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच करके देश के संसाधनों पर, प्रदेश के संसाधनों पर लूट खसोट पहुंचाने वाले, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बेमानी और भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बनाकर के विश्वास का वातावरण पैदा करने वाले लोग, यानी आतंकवाद के प्रति भी जो लोग वोट बैंक को जोड़ना चाहते हो उनकी मंशा को आप अनुमान लगा सकते हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात को प्रमाणित करता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अगर वे सरकार बनाएंगे तो देशद्रोह की धारा समाप्त कर देंगे, यानी सहली नक्सलियों को खुलेआम प्रोत्साहित करने की साजिश का हिस्सा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस इस बात को लेकर के कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सेना के उन विशेष अधिकारों को जिन अधिकारियों के तहत सेना जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सफाया कर रही है और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आतंकवाद का सफाया कर चुकी है, उन अधिकारों को समाप्त करके फिर से आतंकवाद और उग्रवाद को भड़काने का कार्य कांग्रेस करने जा रही है। सपा और बसपा की कार्य पद्धति को आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की देश और दुनिया में पहचान क्या, अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, काशी में भगवान विश्वनाथ की स्थली, गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की स्थली, कुशीनगर में भगवान बुद्ध की स्थली, यही तो पहचान है उत्तर प्रदेश की। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल, कुंभ की पुण्य भूमि, यही तो उत्तर प्रदेश के कुछ पहचान है जिस पहचान के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर लोग हमें पहचानते हैं, हमें सम्मान देते हैं। कहीं राम के नाम पर, कहीं कृष्ण के नाम पर, कहीं बुद्ध के नाम पर, कहीं गंगा के नाम पर, कहीं काशी के नाम पर, कहीं गोरखपुर के नाम पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पहचान। ये पहचान भारत की पहचान, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की पहचान, दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की पहचान बनती है। लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, लखनऊ फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, उन पर दायर मुकदमों को सीधे सीधे वापस लेने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी अपनी सरकार के समय करती है। आप सोचिए अगर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती
ये आतंकवादी जिन्होंने गोरखपुर में सीरियल विस्फोट किए थे, आखिर समाजवादी पार्टी उनके मुकदमों को क्यों वापस लेना चाहती थी? क्योंकि आतंकवादियों का संबंध जिन लोगों से था वे एक वर्ग विशेष का वोट बैंक बनने का दावा करते थे। उस वोट बैंक के लालच में प्रदेश की 24 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश चेष्टाएं इन दलों ने की। और भाइयों बहनों, ये सुरक्षा आपने देखा होगा, अभी श्रीलंका में आतंकी विस्फोट ईस्टर के दिन कितने निर्दोष लोगों को मार दिया, मुंबई में आतंकी हमला, ये क्या साबित करता है? एक सभ्य समाज पर बर्बरता है, आतंकी घटना, और उस आतंकी घटना को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करना या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और सपा बसपा कांग्रेस सभी के सभी दल आज जिस तुष्टीकरण की नीति पर चल करके चुनाव लड़ रहे हैं, ये देश की सुरक्षा को ही खतरे में डालने जैसा है। और इसीलिए हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, देश आज सुरक्षा की जिस नए दौर में गुजरा है, आपने विगत दो वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? देश के अंदर पांच वर्ष के अंदर कोई आतंकी घटना को देखा? नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार की नियत साफ है, दृष्टि स्पष्ट है, कार्य स्पष्ट कार्य योजना के लिए इसके साथ सरकार कार्य कर रही है। के खिलाफ अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का पैगाम है। देश सुरक्षा के एक नए माहौल में चल रहा है, देश विकास और समृद्धि की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। पांच वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान मिलना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिलना, 7 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन मिलना, 9.5 करोड़ गरीबों को शौचालय मिलना, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना की गारंटी मिलना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 37 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंक में खुल जाना, और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो जाना। यानी ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आजादी के तत्काल बाद इस देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए था, नहीं मिला, क्योंकि उस प्रकार की लोक कल्याणकारी दृष्टि का अभाव सरकारों में था। आज मिल रहा है इसलिए क्योंकि सरकार का विजन स्पष्ट है, लोक कल्याण का है, तुष्टीकरण का नहीं है। और इसलिए आप सभी जिस उम्र के हैं या जिस उम्र के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर आप उस युवा ऊर्जा को एक बार जागरूक कर लेंगे, कोई कारण नहीं किस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना, यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद चिल्लाने से नहीं आएगा, राष्ट्रवाद अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा की ओर ले जा करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में उनको सहभागी बना देना, यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के अभियान में सहभागी बनाने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं डॉक्टर विभाग चंद कौशिक जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में छात्र नेताओं का सम्मेलन यहाँ पर बुलाया है। और मैं आप सभी छात्र नेताओं से अपील करूंगा, आपके साथ 2, 10, 50, 100, 200, 500, 700, 1,000 या जितने भी आपके मित्रगण, सुचिंतकगण, अन्य लोग होंगे, उन सबको सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए जो आंकड़े मैंने आपको बताए, इन आंकड़ों के साथ, इन उपलब्धियों के साथ, सुरक्षा के मुद्दों के साथ, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दों के साथ उन लोगों के बीच में अगर आप अपने सोशल मीडिया के, अपने स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए उनको जोड़ने का कार्य और इस मुहिम में उन्हें लगने के अपील कर सकेंगे, मुझे लगता है आप भी अपनी युवा उम्र के साथ और अपने इस नेतृत्व के साथ न्याय कर पाएंगे। और उसी न्याय के अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप सभी लगे,
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास के जिस अभियान को लेकर के चल रही है उस अभियान में आप सब भी सहभागी बने, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।